मध्य प्रदेश अजब है, बहुत ही गजब है। एक ऐसा खबर लेके आए हैं जो उन्हें का सुन के अपनो चौंक जाब। एक पिता जो है 3 साल बाद यह जाने की उनकर जो है बिटिया जो है एसआई नहीं आए, वह नकली वर्दी पहिरा थी। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल बाहम कनिश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के। जो उन्होंने अपना पंचन बता दी कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पिता के द्वारा कटनी एसपी से गुहार लगाई गई कि उनकर बिटिया सब इंस्पेक्टर है और वो जो है 1 साल से वेतन नहीं दिन गए और जल्द वेतन दिन जाए। पुलिस के द्वारा जांच की गए तब पता चला कि पिता के द्वारा जो नाम बतावा गया वह नाम से तो कोनो महिला सब इंस्पेक्टर है ये नहीं है। पुलिस के द्वारा छानबीन की गए तो महिला के फर्जी सब इंस्पेक्टर बन के घूमे के बाद सामने आई। कटनी जिला के माधवनगर में रहने वाली झिंझरी चौकी पुलिस चौकी में महिला का फर्जी सब इंस्पेक्टर बनावे के आरोप में जो है बने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा जो है आरोपी महिला के पास से खाकी वर्दी, मध्य प्रदेश पुलिस के मोनो, टोपी, नेम प्लेट, नीली व्हील डोरी और ब्राउन बेल्ट जूता और बैरक कैप का जो है जब्त कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा बताया गया कि जबलपुर जिला में घमापुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कांच घर निवासी गेंदलाल गोटिया के द्वारा जो है कट्टी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत पत्र दिया। एम बताया गया कि उनका बिटिया जो है 27 साल की बेटी संजना गोटिया ए एसआई के पद में कटनी पुलिस विभाग में पदस्थ थी, लेकिन उनका वेतन नहीं दिन जा लगा। शिकायत पत्र में वेतन दिलाया जाए कि इतर जेके लापरवाही से अब तक वेतन नहीं मिला है, उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। जब एसपी के द्वारा शिकायत की जांच कराई गई तब पता चला कि संजना गोटिया नाम की कोनो महिला कटनी जिला में एसआई के पद में पदस्थ नहीं है। जांच के बाद पुलिस के द्वारा 18 अप्रैल का पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास से खाकी वर्दी और 2 स्टार लगाए हुए एक महिला का हिरासत में लिया गया। उनका जो है नेम प्लेट में संजना गोटिया लिखा है। पुलिस पूछताछ में संजना के द्वारा बताया गया कि वह पुलिस विभाग में नहीं आए, उनके द्वारा जो है अपने पिता मोहल्ला वाले से झूठ बोला गया। आरोपी महिला संजना के द्वारा जो है पुलिस के पूछताछ में बताया गया कि वह 2017 में एसआई के परीक्षा देने रही, लेकिन जो है ऊपर चयन नहीं भरा। उसके बावजूद संजना के द्वारा अपने घर वाले और मोहल्ला वाले से कहा गया कि ऊपर सिलेक्शन हो गया है। बस 2018 में वह ट्रेनिंग कई करे की दिन सागर गए और वहाँ हॉस्टल जो है किराए के कमरा माल लय के करीब 15 महीने रही, जबकि ओकर कौनो ट्रेनिंग वहाँ भवे नहीं बै। हालांकि यह बीच जो है अपने पिता से हुआ लगातार झूठ बोला रह गए। पिछले वर्ष अप्रैल में अपने पिता से वह कहिस कि ओकर पोस्टिंग कटनी में हो गई, ओके बाद जो है वह अपने पिता से यह कह के रुपया मांगे ला कि जब तनख्वाह मिली तो वह पैसा पिता के वापस कर दी। पुलिस के द्वारा बताया कि आरोपी महिला जो है जबलपुर स्थित अपने घर से कटनी मां ड्यूटी करे खी वर्दी पहिर के निकल रही और रोज अप डाउन कर रही। पुलिस जो है अब यह बात की जांच कर रही है कि आखिर महिला के द्वारा ऐसा काहे किया। प्रारंभिक तौर में यह माना जा रहा है कि वह वर्दी पहनने की शौक रहा और परीक्षा दे के बाद जब सफलता नहीं मिली तो उसके बाद वह जो है खुद वर्दी पहन के घूमे लगा और पुलिस अब यह पूरे मामला के जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पर यह पूरा अजब गजब खबर सुन के अपना समझ गए हो कि एक बिटिया के जो है महत्वाकांक्षा इतनी रही कि पुलिस तो बने चाह रही किंतु पढ़े नहीं चाह रही। एक बेपरीक्षोद ही असफल भय तो वह जो है गलत राह में पहुंच गए और वह नकली वर्दी बनाए के फर्जी पुलिस वाली बन के शहर में घूमे लाग। तो निश्चित तौर पर वह खुद के साथ तो धोखा देवे भय अपने पिता वो अपने मोहल्लों का धोखा दी। और सबसे बड़ी बात की सोची एक पिता कितने अरमान जगाए लेते हैं किंतु वह पिता के कहा जाए कि छाती माँ या कितना बड़ा वज्रघात भ हुई, किंतु हालात यह है कि आज की युवा दिशा विहीन हो रहा है। बिल्कुल तुरंत ओका जो है सफलता चाहिए किंतु तुरंत कोनो शॉर्टकट नहीं है सफलता के। सफलता खातिर कठिन परिश्रम अथक परिश्रम जो है प्रमुख मार्ग है। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।